गाइस वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, सबा के व्लॉग्स ना काफ़ी दिन से नहीं आ रहे, तकरीबन आज 4 दिन हो गए सबा के व्लॉग का, अता ते पता कुछ भी नहीं है। अब काफ़ी सारे लोग ना उस चीज़ को उसकी प्रेगनेंसी से ही जोड़ रहे हैं। अगर आप लेटेस्ट व्लॉग में जाके उसका कमेंट सेक्शन चेक करो ना, तो वहाँ पर आपको यही मिल रहा है कि ये भी प्रेग्नेंट है, इसी वजह से जो है वो अपने व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही। तो अब पता है सीन ये है कि अगर वो प्रेग्नेंट भी है या अगर उसका IVF भी चल रहा है, काफ़ी लोगों को उसके IVF के भी चांसेस लग रहे हैं कि शायद उसका IVF का जो 15 डे वाला प्रोसीजर है वो चल रहा है, तो उसकी वजह से उसको हेल्थ के लिए या उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी जो जब तक उसके बेबी को कंफर्म ना हो जाए, जो भी चीज़ें हैं उसको घर में रहने की हिदायत है, क्योंकि रेस्ट करने का आपको बोला जाता है। काफ़ी लोग ना, बहुत सारे लोग जो बातें कर रहे हैं ना, आज हम उनका रिप्लाई करेंगे। काफ़ी लोग इस बात का ये कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी में आपको कौन बोलता है कि वो घर में बैठ जाओ, या इस तरीके के कमेंट्स भी मैंने रीड किए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना मुझे कभी कभी इन्फ्लुएंसर के ऊपर ना रहम भी आता है, पता है उसकी वजह ये है कि कभी कभी ना बेवजह उनको ट्रोलिंग मिलती है। अब जैसे कि अब वो घर में बैठी है, तो भी काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने रीड किए कि ऐसा कौन सी प्रेगनेंसी होती है जिसमें पहले महीने क्रेविंग्स हो जाती है, ऐसी कौन सी प्रेगनेंसी होती है जिसके अंदर डॉक्टर आपको घर में रहने का बोल देता है कि आप बेड से ना हिलो। वो ऊपर नीचे भी ज़्यादा नहीं हो रही है ना, जैसे कि वो भाई के घर भी जब हो रहा था, वेबसाइट वगैरह का भी हुआ था, तो भाई नीचे आया था उसको वेबसाइट दिखाने, यानी शुएब इब्राहिम उसको नीचे वेबसाइट दिखाने के लिए आया था। तो अब वो अगर बाहर घूमे, उस दफ़ा जब वो एक दो मरतबा बाहर घूमने चली गई थी, तो लोगों ने उसके ऊपर ब्लेमबाजी डाल दी थी कि तुम बाहर घूमने गई थी जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तब भी तुमने अपने बच्चे को नहीं समझा और तुम्हें बाहर घूमना रहा। तो अब वो इस दफ़ा इंतहा से ज़्यादा, अगर ऐसा कुछ है भी, तो वो इंतहा से ज़्यादा सिक्योर हुई भी है, तो उस पर भी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब वो मुझे समझ में नहीं आता, वो बेचारे करे तो करे क्या। तो ये गलत है, देखो हर बात पर ट्रोल करना। अब ये कहना कि उसकी सिचुएशन अलग है, उसको क्रेविंग्स होना शुरू हो गए, उसको तो खाने का चाहिए ही। मैं आपको एक बात बोलूँ, आपको ये जो इनकी बॉडीज़ है ना, थायराइड्स वाली बॉडी होती हैं या जो ये PCOD वाली बॉडीज़ होती हैं, इन पर आप नॉर्मल, एक नॉर्मल बंदे को लो और एक PCOD थायराइड वाली बॉडी लो, दोनों को सेम खाना 15 दिन तक दो, वो बॉडी ना आपको जो नॉर्मल बॉडी होगी ना, वो रिएक्शन जो है ना वो थोड़ा सा कम देगी, मतलब उसका जो वेट गेन होगा ना वो थोड़ा कम वेट गेन होगा, और जो थायराइड और PCOD वाली बॉडी होगी ना वो आपको डबल से ट्रिपल बॉडी देगी। इनको कहते हैं ना कि इनको तो पानी से भी वेट बढ़ता है, इनकी ये बॉडी होती है। तो कहीं ना कहीं उसकी हार्मोन्स, देखो उसकी, मैं मानती हूँ उस बात को कि उसकी डाइट जो है वो अनहेल्दी डाइट है। हम उसको कितनी बार बोलते हैं कि वो अनहेल्दी बहुत ज़्यादा ले लेती है, बहुत ज़्यादा ऑयल का इनटेक कर लेती है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी, यानी दो दो तीन तीन टाइम वो अनहेल्दी खाना खा लेती है। लेकिन जब वो कट करने पर आती है तो वो शुगर वगैरह भी कट करती है। पहले क्या होता था कि वो प्रॉपर एक डाइट कर पा रही थी, अब शादी के बाद ये हुआ है कि वो डाइट नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो कंटेंट की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान हो गया है। पहले उसका मेन कंटेंट क्या होता था कि बच्चे होते थे, भाई भाभी इसको मिल जाते थे, तो उसका कॉन्टेंट बन जाता था। अब भाई भाभी अपने घर में होते, अब घर में आप देख लो कॉन्टेंट नहीं निकल पा रहा है इसका, पहले बेटी खाला वगैरह भी होती थी। अच्छा, बेटी खाला वगैरह से मुझे याद आया कि इसने ना बीच में ना एक स्टोरी थी उसको लाइक किया था, मतलब एक जो ना पोस्ट होती है जिसके अंदर कहा था कि मैच्योरिटी वो है जब आपको पता चल जाए कि चाहे मॉम साइड के रिलेटिव्स हों चाहे डैड साइड के रिलेटिव्स हों, वो सब सांप ही होते हैं। इस तरीके की एक ना वो होती है कॉर्ड्स थी, उसको उसने लाइक किया हुआ था। तो उस पर भी जो है वो काफ़ी, ये सारी चीज़ें ना आपको रेडिट में मिल जाएगी भाई, रेडिट इंतहा। मैं कहती हूँ ना कि आपको इनकी एक एक सांस लेने की इन्फॉर्मेशन भी है ना, वो रेडिट देता है। और कभी कभार ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ऑकवर्ड भी लगती है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्कस करता है, मतलब ज़्यादा मतलब सिर्फ उनको एक गलत वे में ही डिस्कस किया जा रहा होता है। जब भी अगर वो कुछ अच्छा भी कर रहे होते हो ना, उसको भी ये कहा जाता है कि ये सिर्फ कैमरे के सामने अच्छा दिखने के लिए कर रहे हैं। देखो ये नहीं होता है, हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई होती है, लेकिन वहाँ पर मुझे हमेशा से ये फील हुआ है कि वहाँ पर सिर्फ इनको बुरा दिखाया जाता है और बुरा बताया जाता है। रेडिट बहुत अच्छा है, मतलब कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है, या आपको अभी रिसेंट में मुझे कमेंट्स आए हुए थे कि आप जो है जब भी कॉफी का कोई पॉडकास्ट बनाती है आप नेक्स्ट डे उसकी पॉडकास्ट बना देते हो। देखो मैंने पहले जवाब तो मैंने कमेंट्स पर काफी सारे दिए, लेकिन मैंने कहा भाई देखो जब हॉट टॉपिक्स चल रहे होते हैं तो उसको हर कोई कवर अप कर रहा होता है। अब ऋषि वाला जो टॉपिक है, जो मैंने आज ग्लैम कपल वाली वीडियो अपलोड की है, तो ये वीडियोस कल सबने अपलोड की, कल तकरीबन लोगों ने उसको अपलोड किया है, कल तकरीबन लोगों ने उसको दिखाया है। तो अब मेरी पॉडकास्ट एक दिन पहले रेडी बनी हुई होती है, मैं रात में एक दिन पहले रात में मैं पॉडकास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि दिन में आजकल मैं बिजी रह रही हूँ, आपको पता है सर्दियाँ आ चुकी है, दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। सर्दियाँ कराची में आई नहीं है, सिर्फ मौसम, सिर्फ टाइमिंग आ गए, तो टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा हो गए, नमाजों के टाइमिंग्स बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, यानी असर मगरिब इशा तीनों बहुत जल्दी होती हैं, और फिर खाना बनाना, बच्चे आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं रात में पॉडकास्ट बना देती हूँ, अब जब मैं रात में पॉडकास्ट बना लेती हूँ तो वो नेक्स्ट डे जो हॉट टॉपिक चल रहा होता है उस पर मेरी पॉडकास्ट लेट आती है आजकल, तो इसलिए थोड़ा बहुत ना वो मिस
कंसेप्ट हो रहा है, तो काफी लोगों को लग रहा है मैं कॉपी कर रही हूँ। यार मुझे कॉपी करने के लिए सीरियसली आइडियाज बंदा हर जगह से लेता है, मैं मना नहीं करती हूँ कि मैं आइडियाज नहीं लेती हूँ, कभी कभार मैं ले लेती हूँ, कभी कभार मुझे लगता है कि यार ये वीडियो का आइडिया अच्छा है मैं इसको कवर अप कर सकती हूँ। कॉपी अब उस टाइम पे बोलो जब मेरे वर्ड टू वर्ड कॉपीज हो रहे हो। रिसेंट जब मैं उसकी वीडियोज देखती थी तो मेरी बहुत सारी चीजें कॉपी हो जाती थी क्योंकि दिमाग में आइडिया होते थे। मैंने उसके बाद क्या कहा कि नहीं, मैं लोगों को वो चीज देना चाहती हूँ जो मैं खुद सोचती हूँ, ना कि वो जो दूसरे सोचते हैं मैं उनको देखकर और मैं वो कॉपी करूँ, नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहती वो चीज। तो मैंने वो वीडियोस देखना ही बंद कर दिया। सीरियसली यार पॉडकास्टिंग जब आप बहुत सारी चीज़ों पे कर रहे हो ना, बहुत सारे लोगों पे कर रहे हो, आपके पास दूसरी वीडियोस देखने का टाइम नहीं मिलता। पहले मुझे कॉफ़ी की वीडियोस देखने का टाइम मिलता था, अभी मैं जब दूसरा चैनल ग्रो कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए भी कॉन्टेंट सोचना है, मुझे उसके लिए भी कॉन्टेंट बनाना है। भाई अपना रिसेंट मेरा जो सोर्स है ना वो सीरियसली रेडिट है। मेरे रेडिट पर मैंने बहुत सारे पेजेस वगैरह लाइक किए हुए हैं, इंस्टा बॉलीवुड नाम का और ये शुएब इब्राहिम का, और बहुत सारे पेजेस जो है वो मैंने फॉलो किए हुए हैं, तो वहाँ से मुझे अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है और वहाँ पे कमेंट इतने मिले वो तो आपको तो पॉडकास्ट ऐसी ही बन जाती है बाबा जी, आपको जरूरत ही नहीं किसी और को देखने की। लाइक सीरियसली आपके दिमाग में ना ऐसी ऐसी चीज़ें आती है ना, इनको देखने के बाद बोलते ओरे बाबा ये भी था, ओरे बाबा, ओरे बाबा, ओ बाबा करके ना आपकी पॉडकास्ट निकल लेती है। और व्लॉग्स ना आने की वजह सबा के वो कहीं ना कहीं यही है कि घर में वो कंटेंट पूरा नहीं निकाल पा रही, और निकाल भी रही है अगर वो कंटेंट तो लोग उसके पास बहुत सारे सवाल कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। वो इग्नोर तो काफ़ी अच्छे से कर रही है लेकिन वो कंटेंट इसका नहीं निकल पा रहा है। हालांकि इसके पास व्लॉग अपलोड भी है, ऐसा नहीं कि व्लॉग बना हुआ है इसके पास, जो दीपिका का वो वाला था वेबसाइट वाला वो व्लॉग तो उसका बना हुआ है लेकिन उसने अपलोड नहीं किया है। अब उसके अपलोड ना करने की वजह कहीं ना कहीं उसकी तबीयत भी है। अब उसके पास हालांकि कृष्णा है, वो एडिटिंग वगैरह करता है सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके ना करने की वजह एक मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो एक हाइप पैदा कर रही है, क्योंकि वीडियोज़ में आपको पता है थोड़े बहुत व्यूज़ जो है वो अभी फ़िलहाल इनके डाउन नज़र आए हैं, तो ये थोड़ी सी शायद हाइप पैदा कर रही है कि मैं फिर एक 4-5 दिन के गैप के बाद आऊँगी तो लोगों को होगा क्या। अभी ये जब अगर आज या कल मैं व्लॉग अपलोड करती, कल इसकी स्टोरी लगी हुई थी कि आज से मैं रेगुलर हो जाऊँगी और आज से आपको मेरे व्लॉग्स जो है वो रेगुलर मिलेंगे, तो अगर आज या कल मैं वो व्लॉग अपलोड करती है तो एक हाइप बनी हुई होगी, लोगों को होगा कि शायद ये अपने वीडियोज़ में जो है ये देखना टाइटल और थंबनेल भी इसी टाइप का लगाएगी ना कि मैं कहाँ थी, कोई न्यूज़ है, इस तरीके का कुछ ना कुछ ये टाइटल थंबनेल लगाएगी ताकि एक लोगों में हाइप पैदा हुई हुई है तो वो उसको मिलेंगे क्लिकबैट, वो लोग उसको जाके देखेंगे कि यार क्या है। क्योंकि व्यूज़ अगर एक साथ डाउन होने शुरू हो रहे हैं ना, इसने देख लिया 2-3 वीडियोस पर इसके डाउन हो रहे हैं मुसलसल वीडियोस, और अगर यही पैटर्न इसका 1-2 हफ्ते चलता रहा तो इसके व्यूज़ रेगुलरली डाउन हो जाएंगे। ये यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करता है भाई, बड़े चैनल्स पर भी यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करता है, तो यही उसको देखने को और यही इसको इस बात का डर है। अच्छा काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये ऑडियंस से छुपा नहीं सकते इसलिए ये नहीं आ रहा, ये ऑडियंस से छुपा नहीं सकते ये वाला सीन नहीं है, ऑडियंस से ये सब छुपा सकते हैं, इनको जब किसी चीज़ का जवाब नहीं देना वो नहीं ही देंगे। अगर इनको नहीं जवाब देना, अभी इनको प्रेगनेंसी का नहीं बताना, ये नहीं बताएंगे। आप कुछ भी लिख लो, जितना भी लिख लो, इनके कमेंट सेक्शन भर दो, इनके जो है आप इंस्टा की स्टोरीज जाके भर दो, आप कहीं भी लिख के, इनको जब इनका बताना होगा ये उसी टाइम ही बताएंगे। अब दीपिका के टाइम पर लोगों ने कितना गैस किया था और फिर आके क्या बनते हैं, हमें आप लोगों से झूठ नहीं बोलना होता ना इसलिए हम लोग आपसे गायब हो जाते। ये कभी कभी ना मुझे बनावटी वो भी लगता है कि यार ये बनावटी है कि मतलब क्यों, कि एक तरफ आप फैमिली बोलते हो दूसरी तरफ आप, अच्छा फैमिली से मुझे याद आया अभी ना मैं उसका व्लॉग देख रही थी निदा सुफियान का, अरे भाई इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक व्लॉग्स हैं इसके, ये लास्ट के ये 2 व्लॉग्स, मतलब लाइक सीरियसली मैं बोल रही हूँ कि इस तरीके के व्लॉग्स बनते हैं, ऑडियंस पर ही ब्लेमबाजी करते रहते हैं, इसी ऑडियंस से भीख मांगो, इसी ऑडियंस को बोलो कि हमें तुमसे व्यूज़ चाहिए, हमें तुमसे लाइक चाहिए, हमें तुमसे सब्सक्राइब चाहिए, और फिर इसी ऑडियंस को आकर बातें सुनो कि तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा बीमार हो गया, तुम्हारी नज़र लग गई है, ये लग गई है, गंदे कमेंट्स करते हो, हेट कमेंट्स, लोग तुम्हें कमेंट्स क्या कर रहे हैं, लोग तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ लोगों ने निदा को बोला है, ये तो जो दिखा रहे हो उसी पर बात हो रही है ना कि निदा अपने बच्चे की केयर नहीं कर रही है, क्योंकि जो बंदी आप उसके पीछे व्लॉग जाओ, जब जुहान बीमार नहीं हुआ उसके व्लॉग जाओ, तब वो मुसलसल 4-5 दिन, आपको 4-5 दिन तो मैं कम ही बोल रही हूँ, वो हर रोज़ यानी हफ्ते में वो कोई 1-2 दिन का कुछ वक्त ना सुहान के साथ नज़र आती है दिखती हुई, बाकी वो पूरा वक्त बाहर ही होती है, कभी बाहर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, तो लोग कैसे सवाल नहीं करेंगे कि भाई एक माँ जो एक बच्चे को पैदा करा है उस बच्चे को उस माँ के टाइम की ज़रूरत है, और ये बच्चा भी 1 साल से ऊपर का हुआ यानी वो तकरीबन रुहान जितनी एज का, तो उसको उसकी माँ की केयर की ज़रूरत है, तो क्यों एक माँ केयर देने के बजाय इधर उधर भटक रही है, और कॉन्टेंट के लिए लोग बोल रहे हैं भटक रही है, तो भाई कॉन्टेंट उनका घर में भी बन रहा है, उस पर भी ऑडियंस को आके हर बात पे ऑडियंस, और काला जादू हो गया, नज़र हो गई है, ये मैंने थोड़ा सा इनके अंदर ये चीज़ें देखी कि इनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा है, काला जादू, काली नज़र, वो कल खिचड़ी पता नहीं कुछ काली पड़ गई थी, अरे भाई कुछ उनको थोड़ा साइंस पढ़ाओ, थोड़ा केमिस्ट्री जिससे मेरे को नफरत है ना थोड़ी पढ़ाओ कि क्या क्यों काला पड़ जाता है, क्यों चीज़ें खराब होती हैं।
मतलब इतने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बंदे और इनके फैंस यार बाकायदा लड़ रहे हैं इस बात को लेके, इनका काम है डेली व्लॉगिंग। अरे भाई बंदा ये डेली व्लॉगिंग करता क्यों है? अब ये डेली व्लॉगिंग से पूछो तो ये करता क्यों है डेली व्लॉगिंग? ये जब चाहे छुट्टी ले सकते हैं, इनको जब चाहे कैमरा उठा के इनको अपने आप को शूट करना है। इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि अगर इन्होंने कल व्लॉग अपलोड नहीं किया या उन्होंने एक दिन के गैप दे दी। अब सभा है वो एक दिन का एक दिन शुरू से गैप देती हुई आ रही है, तो क्या उसके व्लॉग्स को इतनी ज़्यादा रीच नहीं मिलती है? मिलती है उसके व्लॉग्स को रीच, ज़रूरी तो नहीं है कि उसको रोज़ के रोज़ ही वीडियो अपलोड करना। अरे भाई ये इनकी अपनी मर्जी है, इनको इस चीज़ का पता है कि इनका बच्चा बीमार हुआ है, इनको व्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं तो वो मोनेटाइज कर रहे हैं, तो मानो इस बात को कि वो मोनेटाइज कर रहे हैं, वो अपने बच्चे को दिखा के मोनेटाइज कर रहे हैं। इस चीज़ को यहाँ पर आके ये जस्टिफाई नहीं करो कि इनका काम है। भाई क्या काम है? किसी ने बंदूक लेके रखी हुई इनके सर पर कि नहीं करोगे तो हम तुमको पहुंचा देंगे, कोई मतलब क्या है? ये मतलब अजीब किस्म की सफाइयां, अगर जो पेश कर भी रहा है तो वो अजीब किस्म की सफाइयां पेश कर रहा है ना। खैर मैं इस पर अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उसकी देखी है। वो जो IVF के साथ बच्चे को इतना ज़्यादा अभी भी इनकी केयरलेस नज़र आ रही है, मतलब एक तरफ बच्चे को IVF लगी, एक तरफ बच्चे के साथ वो उसी IVF से ताली लगवा रहे हैं। मतलब मुझे बताओ, मतलब क्या कर रहे हो आप? ये सब केयर है? ये आप केयर बोलते हो उसको? हमारे इधर तो ये केयर नहीं है, हमारे इधर तो ये केयरलेस कहलाती है, मतलब कि भाई आपको बच्चे की कोई केयर नहीं है, ये वाला सीन कहलाता है। खैर लेकिन यहाँ पर लोग ना अपने लोगों पसंदीदा लोगों के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहते, जो दिख रहा है उसको भी बिल्कुल बोलेंगे बस आप लोग आंखें बंद करके देखो, जिस तरीके से हम देखते हैं वैसा नहीं होता है यार। हर कोई आंखें बंद करके नहीं देख सकता है, रिव्यू आपको करने चाहिए, आपको लिखना चाहिए कि वो केयरलेस नजर आ रही है तो लोग लिखेंगे और लोग बात करेंगे उस केयरलेस पर। हर भाई इन व्लॉगर्स का यही सीन है, ये व्लॉगर्स ना कुछ अच्छा बुरा सुन नहीं सकते, मतलब कुछ बुरा नहीं सुन सकते, चाहे वो शुएब इब्राहिम हो चाहे वो ये नदा सुफियान हो। सभा में फिर भी बहुत, मैं आपको बोलती हूँ, वो काफ़ी कुछ जो ना मैंने बोला है हमेशा कि वो सुनती भी है और रिएक्ट भी करती है और बताती भी है, क्लियर भी करती है। इस मामले में मैं सभा को कहूँगी, काफ़ी लोग ना मुझे बहुत बार जब मैं ऐसे पॉडकास्ट बनाती हूँ ना जहाँ पर मैं सभा के बारे में या इन व्लॉगर्स को एक तरीके से सपोर्ट कर रही होती हूँ, सभा को खास करके अगर मैं कभी सपोर्ट कर रही होती हूँ, तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं अभी देखना आएंगे तुमको कितने पैसे दिए। अरे भाई पैसों की बात नहीं है। अब काफी लोग बोलते हैं आप इसका पास्ट देखो, भाई पास्ट देख के पास्ट होता ही मुझे लगता है कभी कभी भूलने के लिए। अब जिन जिन पास्ट के लोग जिक्र करते हैं ना, उस पास्ट का किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी के पास सीरियसली कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी था। सबकी सिर्फ जबानी बातें हैं। देखो जबानी बातें आप कभी कभी ऐसी मशहूर हो जाती है ना जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब तक आपके पास किसी बात का प्रूफ ना हो, उस बंदे की माँ का अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, यानी इतनी बड़ी बात है और अगर ये इतने सुकून से रह रहे हैं तो फिर मैं बोलती हूँ भाई सल्यूट है इनको। लेकिन ये बात अगर झूठ है और रिएक्ट नहीं किया है, देखो हर बात पर आकर रिएक्शन नहीं दिया, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको ये नहीं छेड़ना चाहते। अब मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के पास्ट को लेकर रोती रहूँ, उसने पास्ट की इसकी ये न्यूज़ आई हुई है इसलिए मैं उसको अच्छा बोल ही नहीं सकती। भाई अभी मैं इसको जिस तरीके से देख रही हूँ मैं उसको उसी तरीके से रिएक्ट करूँगी। कई मामलों में वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि नहीं यार हर वक्त नहीं होता किसी को भी क्रिटिकल रिव्यू देने का, हर सिचुएशन नहीं होती। अभी ये सिचुएशन जिस सिचुएशन से ये गुजर रही है शायद वो सिचुएशन उसकी क्रिटिकल रिव्यू वाली नहीं है, वो अभी इस टाइम पर थोड़ा सा पीस भी चाहती है, थोड़ा सा मेंटल पीस, वरना ये बंदी कभी भी व्लॉगिंग ना छोड़े और ये जब व्लॉगिंग से स्किप करती है तो समझ लो ये कितना मेजरली जाके स्किप करती होगी, वरना ये बंदी व्लॉग्स के मामले में ना पागल है। उसको किसी भी तरीके से बस कंटेंट निकालना है, कंटेंट निकालने के लिए इसने क्या क्या किया हम सबको पता है। जैसे मौदाम इसके पास कंटेंट की कमी होती है, इसने आम के चैलेंज करवाए हैं, इसने 1,000-2,000 रुपए देखे चैलेंज इसने करवाए क्योंकि उसको कंटेंट निकालना होता है। तो ये कंटेंट के पीछे ही लड़की पागल है। तो ये जब अगर कंटेंट नहीं दे रही है तो मतलब ये समझ लो कि वो मेंटल पीस इस टाइम पे चाह रही है या वो नहीं चाह रही कि इस टाइम पर ऐसी कोई बातें हों उसकी प्रेगनेंसी को लेकर। एक औरत तरसी भी होती है यहाँ पर ना, इनको बड़ा ये इन्फ्लुएंसर हो गया या कोई भी ऐसा इंसान हो गया ना जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा चाह दिखा रहा है ना, तो उसको बोला जाता है ये कंटेंट के लिए कर रहा है कि उसको उसका बेबी जो ना वो कंटेंट। देखो चल तो रहा है ना, आज 4 साल से वो व्लॉगिंग कर रही है, व्लॉगिंग उसकी मुसलसल चल रही है, ऐसा नहीं कि इसकी व्लॉगिंग से लोग बोर हुए हैं। हमेशा ये कुछ ना कुछ अलग से कर आती है, कुछ नहीं होता तो रुकैया शुकैया सबको उठा के ले आती है, तो ये कंटेंट चला रही है 4 साल से। तो वो जो इसके बच्चे के लिए चाह है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी चाह है, इसलिए चाह नहीं है कि उसको कंटेंट चाहिए। हाँ बच्चा आएगा कंटेंट तो वो बच्चा ज़रूर बनेगा, लेकिन चाह औरत को होती है भाई। बहुत सारी औरतों को लगता है कि वो जो चाह है वो बच्चे की जो चाह है वो मैं बच्चे से ही पूरी हो सकती हूँ। बहुत सारी औरतों को ये लगता है कि मैं अगर बच्चा नहीं है तो मैं अधूरी हूँ, ये बहुत सारी लोगों को लगता है। अब काफ़ी ये माशरा भी है जो दिमागों में डाल देता है और काफ़ी खुद की चाह भी होती है कि नहीं यार मुझे एक बेबी चाहिए। अब मैं उसको अभी मैं कल दलजीत का जब इंटरव्यू देख रही थी वहाँ पर उसका भी यही था कि उसको एक फैमिली की चाहती, बच्चों की चाहती कि मुझे एक फैमिली चाहिए। तो होता है लोगों को, ये कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई के अलग अलग
जिंदगी के मैटर्स होते हैं, किसी को बहुत बड़ा जो है वो सुपरस्टार बनना होता है। अभी रिसेंट ना मैं शाहरुख खान का देख रही थी, जहाँ पर ये था शाहरुख खान से पूछ रहे थे कि क्या आपको भीड़ में जाके पाव भाजी खाने का शौक है, और आपको क्या ये शौक है कि आप जो है नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी। उसने बोला मुझे ये शौक नहीं था तभी मैं स्टार बना। तो इसी तरीके से सबके अलग अलग शौक होते हैं। किसी को फेम पाने का बहुत शौक होता है, किसी को सिर्फ पैसे का शौक होता है, किसी को एक बच्चे का शौक होता है कि यार नहीं मेरा बच्चा ही मुझे फैमिली मेरी पूरी कर सकेगा। तो इस पे इसको क्रिटिसाइज करना, और बहुत ज्यादा ये क्रिटिसाइज होती है सबा खास करके, कि बच्चे के लिए पागल हो रही है, 2 साल अभी नहीं हुए हैं और ये बच्चे के लिए, ठीक है ये थोड़ा ओवर कर गई है, मैं भी मानती हूँ इस चीज को कि ये थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गई है बच्चे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चा उसके कॉन्टेंट से ज्यादा उसको खुद को चाह है। अब काफी लोग बोलते हैं जेलेसी में बच्चे के पीछे पड़ी है क्योंकि भाभी को बच्चा हो गया तब इसको भी बच्चा चाहिए। तो भाई अभी अगर वो पहले अगर बच्चे के पीछे पड़ जाती तब वो अनमैरिड थी ना, फिर बताओ कैसे होता वो पॉसिबल। अगर वो पहले बोल देती मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, यार कुछ भी, उसकी शादी के फौरन बाद तो दीपिका प्रेग्नेंट हो गई है। अब उसको अगर वो चीज़ की चाह है तो अब उसमें ये लगा दो कि उसको जेलसी है दीपिका से, इसलिए उसको बच्चा होना है। अब बताओ ये पागलपन अगर अपना शादी से पहले दिखा देती कि मुझे बच्चा चाहिए, कैसा साउंड करता, खुद आप लोग सोचो ये अच्छा साउंड करता नहीं कर सकता था ना अच्छा साउंड, तो वो शादी से पहले उसका नहीं हो सकता था, पॉसिबल चीज है, समझो यार आप लोग कुछ भी बोल देते हो। खैर बहरहाल अपने जी यही था। अब मे भी शायद आज वेट करो, आज आया हुआ व्लॉग का कि व्लॉग आने वाला है, तो मे भी शायद कुछ देर में या जब तक मैं ये पॉडकास्ट अपलोड करूँ पता चला व्लॉग आ भी गया, वो पता नहीं होता बाबा कुछ भी। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आप लोग लास्ट में करना कि आप लोग को क्या लगता है व्लॉग ना आने की वजह प्रेगनेंसी है। मुझे तो 80-90% यही लग रहा है कि प्रेगनेंसी है, और इस टाइम पर वो मेंटल पीस चाह रही है, एक सुकून चाह रही है, क्योंकि एक डेली व्लॉगिंग ना आपको बहुत भगाती है भाई। तो कंटेंट तो आपको निकालना ही है, सही है ना, किसी भी तरीके से। आप जिंदगी रोज जरूरी नहीं है रोज आपकी जिंदगी में ना WWF चल रहा हो, या रोज आपकी जिंदगी इंटरेस्टिंग, कभी कभी हम भी बोर हो जाते हैं, हमारी जिंदगी में भी क्या चलता है, उठते हैं नाश्ता करते हैं काम करते हैं घर के काम करते हैं बच्चे संभालते खाना बनाते हैं फिर अपने वीडियो शूट करते हैं जिंदगी खत्म। अगर मैं डेली व्लॉगिंग करते जाऊँ ना तो लोग सच्ची में बोर हो जाएंगे, मेरे को चप्पल मारेंगे, बोलेंगे तू रख तू कैमरा तेरा, नहीं दिखाना हमको तेरी डेली ब्लॉगिंग, नहीं देखना हमको तेरी डेली ब्लॉगिंग, क्योंकि है ही नहीं। मैं महीनों निकल जाते हैं, मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं अपनी अम्मी घर जाती हूँ तब मैं बाहर निकल रही होती हूँ, मतलब मेरी तो डेली ब्लॉगिंग में आपको बाहर का नजारा भी नहीं मिलेगा देखने को, मैं बाहर जाती नहीं है। तो खैर बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपनी राय लाजमी शेयर करना मेरे साथ, हम वेट करेंगे आपकी राय का। और यार यहाँ तक आया हो तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, और जाके दूसरे चैनल पे भी वीडियोस अपलोड किए जाके देख लेना, दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।